आपने कई बार सुना होगा लोगों को कहते हुए कि बिजली से चलने वाली चीजों को पानी से दूर रखा करो, नहीं तो करंट लग जाएगा। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि पानी के अंदर जो मिनरल्स और सॉल्ट्स डिसॉल्व होते हैं वो पानी को एक बहुत अच्छा कंडक्टर बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन एक सवाल यहाँ पर सोचने वाला है, दुनिया भर के समुद्र में सॉल्टी पानी है, तो जब बिजली कड़कती है तो क्या पानी के अंदर मौजूद मछलियां भी मर जाती हैं उसकी वजह से? बार बार बिजली कड़कने से सारी मछलियों को मर जाना चाहिए समुद्र के अंदर, ऐसा क्यों नहीं होता? इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन है कि लाइटनिंग स्ट्राइक जमीन के ऊपर ज्यादा होती है, पानी के ऊपर इतनी नहीं होती। 2014 में जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च ने ये नक्शा पब्लिश किया था जो बताता है कि कितनी ज्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक्स कहां-कहां देखने को मिली। जमीन के ऊपर 10 गुना ज्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक्स थी समुद्र के ऊपर कंपेयर करोगे तो। दूसरा, जब बिजली स्ट्राइक करती भी है तो उसका चार्ज इवनली स्प्रेड आउट कर जाता है समुद्र के सर्फेस पर, और ज्यादातर मछलियां काफी नीचे स्विम कर रही होती है, सर्फेस पर स्विमिंग नहीं करती समुद्र में, इसलिए वो बच जाती है। लेकिन अगर कोई इक्का दुक्का मछली सर्फेस पर मौजूद होती है जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो हाँ, वो मरती जरूर है।